व्हाट्सअप तू नींद में? मैं तो रात को 2:30 बजे सोया हूँ और मेरा तो फुल प्लानिंग यही था कि गाड़ी में जाऊंगा, ध्रुव गाड़ी चलाएगा और मैं बाजू में बैठ के सो जाऊंगा। इट्स गोना बी अ टफ टाइम फॉर यू नॉट फॉर मी। इफ यू स्लीप आई विल स्टॉप द कार। आई डोंट माइंड, आई विल स्टिल स्लीप। आई विल आल्सो स्लीप। आई विल स्टिल स्लीप। अच्छा बाय द वे, आज अपन कर क्या रहे, जा कहाँ रहे? आज हम जा रहे हैं वर्कआउट करने, लेग्स मारने जो। लेजेंड इमेजिन करो, मतलब मेरे घर पे तो मम्मी पापा फिलहाल नहीं है दिल्ली में। ध्रुव सुबह उठा होगा और मम्मी को बोला होगा, मम्मी मेरा बैग पैक कर दो, मैं आज जुहू जा रहा हूँ। मम्मी बोलेगी, बेटा जुहू क्यों जा रहे हैं? अरे मम्मी आज जिम करने, मैं जुहू जा रहा हूँ। जो लोग हमको फॉलो करते हैं ना इंस्टाग्राम पे, सो दे नो लाइक थोड़े टाइम से, लाइक मोर देन अ मंथ, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स है हम लोग एक स्ट्रिक्ट डाइट पे है, स्ट्रिक्ट वर्कआउट कर रहे हैं हम लोग। मतलब रोज सुबह भागने जाते हैं, कभी कभी मिस आउट हो जाता है, एंड परफेक्टली एकदम बैलेंस डाइट हम लोग एक कर रहे हैं। एंड जो हमको वर्कआउट सिखा रहा था ना प्रणीत, जो अपना प्रणीत है ना प्रणीत, वो बोला पुणे से मैं आज मुंबई आ रहा हूँ तुम्हारा वर्कआउट लेने, देख रहे हैं कि तुम्हारा फॉर्म एंड टेक्निक कैसा है। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है, बट ठीक है, एक्साइटेड तो है। 2 महीने से उसके साथ ऑनलाइन कर रहे हैं, बट अभी लाइव करेंगे ऑफलाइन, मजा तो आने वाला है। सो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को ये बात पता होगी, मतलब डेफिनेटली नहीं पता होगी बिकॉज आज तक हम लोगों ने दिखाया नहीं है, बट देयर इज समथिंग अबाउट ध्रुव जो आपको नहीं पता, वो ये है कि वो गाड़ी चलाते वक्त ना हमेशा हमेशा अपने शूज या चप्पल निकाल के चलाते हैं। आई मीन मुझे इसका आज तक राज नहीं समझ में आया ब्रो, तो फुटवेयर निकाल के क्यों गाड़ी चलाते हैं? व्हाट्स द रीजन? आई रिस्पेक्ट माय कार। यू डोंट रिस्पेक्ट धरती माँ, एंड यू रिस्पेक्ट योर कार, इज दैट व्हाट यू मीन टू से? जमता नहीं है शूज के साथ, मेरे को अंदाजा नहीं आता है कि मैं कितना एक्सीलरेटर दबा रहा हूँ। मेरे को आदत है, पहली बार से मैंने ऐसा ही चलाया तो। बट ब्रो मतलब अगर तू शूज पहन के, ऐसे लोग हैं पर ऐसे प्राणी हैं, ऐसे प्राणी हैं जो नंगे पैर चलाते हैं। Are you also one of the prani like Dhruv? I mean, तू बोल रही है तेरे को अंदाजा नहीं आता, but अगर तू शायद चलाएगा। चलाया है मैंने, चलाया और मुझे पता है कि मैं 3-4 बार चलाऊंगा तो आदत हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई छोटे मोटे ट्रैफिक में ना एक्सीडेंट नहीं हो जाए उसकी वजह से। मैं भाई दुनिया में लोगों को अजीब अजीब खौफ होते हैं और यहाँ पे लोगों को जूतों की वजह से खौफ होता है, ठीक है। बट यस, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स अबाउट ध्रुव। बच्ची लोग, एक ना जेन्युइन क्वेश्चन था, मतलब आप लोग हमारे व्लॉग्स देखते हो ऑब्वियसली, इसीलिए हम लोग ये व्लॉग भी बना रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हम लोग हमारे व्लॉग्स में ना मतलब कोशिश करते हैं कि बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, नो सीरियस स्टफ, ओनली फन। बट समटाइम्स आई फील, राइट नाउ आई एम फीलिंग दिस, कि मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी कुछ सीरियस बातें भी करनी चाहिए, ताकि बोलते ना यू कैन कनेक्ट विद अस मोर। अभी कुछ एक टॉपिक आ गया तो मेरे को और ध्रुव को बैठ के बात करना चाहिए उसके बारे में, ताकि द होल मोटिव बिहाइंड मेकिंग व्लॉग्स, बिहाइंड क्रिएटिंग दिस चैनल ध्रुव एंड शाम इज फन शो पे तो जो भी होता है स्क्रिप्टेड होता है, बेसिकली फिक्शन। बट ध्रुव एंड शाम हम लोगों ने इसीलिए बनाया था ताकि हम हमारे बच्ची लोग से, जो आप लोग हो, उससे हम लोग रूबरू हो सके, उससे हम लोग और पर्सनली कनेक्ट कर सके। मतलब आप हमें पर्सनली जान सको कि हम लोग सोचते क्या है, हम लोग करते क्या है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होता है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, हम लोग क्या है। मैं अभी यही सोच रहा था कि शुड वी समटाइम्स मेक सीरियस व्लॉग, मतलब नॉट सीरियस कि मतलब ओ फक मेरे घर पे कुछ हो गया है सीरियस व्लॉग, ऐसा नहीं, बट लेजिट सिटिंग एंड टॉकिंग टू यू गाइज अबाउट अ सर्टेन टॉपिक और समथिंग लाइक दैट। तो क्या बोलते हो, मतलब प्लीज़ ड्रॉप योर जेन्युइन सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन। एंड मेरे को बस ये दिमाग में थॉट प्रोसेस आया, हम लोग अभी यही बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने तो डिस्कस कर लिया, बट वी वांटेड टू नो फ्रॉम योर पार्ट, फ्रॉम योर एंड, कि आप क्या सोचते हो। आपने हमारी फंचो पे ना इंडियन जुगाड़ हैक्स वीडियो देखी होगी, आपको और एक लाइव हैक दिखा था, ये देखो किधर है फास्ट टैग दिखा, अच्छे से पकड़ियो, छोड़ियो मन्ना। आई वाज टॉकिंग अबाउट इंडियन जुगाड़ हैक्स, ठीक है। तो फास्टैग अगर आपने देखा होगा, ठीक है, तो लोग फास्टैग अपनी गाड़ी में आगे लगाते हैं ऐसा, ठीक है। अपने भाई ने, ध्रुव ने नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया बता,
जेन्युइनली बताना जो तूने मुझे उस दिन रीजन बताया था। मैंने एक्चुअली क्यों नहीं लगाया था ऐसे, मेरे को चिपकाना नहीं था। हाँ। पर बाद में किसी ने मुझे इसके प्रोज बताए कि नहीं चिपकाने के प्रोज क्या क्या हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि टोल पे कोई रहता नहीं है तो गाड़ी ऐसे ही निकल जाती, पैसा नहीं कटता। पर अगर तुमने चिपका दिया है कंपलसरी तो भाई कटेगा ही अपने आप ऑटोमेटिक। तो किसी किसी टोल पे आपने देखा होगा कि हम लोग बातचीत बोल गए, मी पण इकडेच आहे, इकडे या गावाचा आहे, ऐसा बोल बोल के आपको छोड़ देते किसी से टोल पे, पैसा भरना नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप ये आगे लगा दोगे, चिपका दोगे, तो डेफिनेटली आपका पैसा कटेगा ही कटेगा। तो बेस्ट सॉल्यूशन फास्टैग को इधर चिपकाने का नहीं, ऐसा डाल देने का गाड़ी में, और जब भी जरूरत पड़े ना, ए लो भाई ये हमारा फास्टैग, काट लेंगे। और जब भी आपको लगता है कि भाई उधर बात हो सकती है तो सुमड़ी में। इसका और एक हैक है जो हमारे साथ अभी लोनावाला में हुआ। क्या हैक है? कभी कभी इसमें बैलेंस नहीं रखेगा तो क्या होता है ना, उन लोग स्कैन जैसे होता है ना, उन लोग को लगता है हो गया, उन लोग खोल देते, फिर उन लोग को 5 सेकंड बाद पता चलता है लो बैलेंस है, तब तक अपन नहीं कर रहे। ये हुआ अपने साथ लोनावाला में। तो भी आपको समझ में है, जो भी हम लोगों ने इंडियन जुगाड़ हैक्स बनाया फंचों पे, वो सब हमारे रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। मतलब हम लोग करते थे, करते हैं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह करते रहेंगे। पच्चीस ठोक उसका मेरे को। वो उधर खड़ा है ना ब्लैक में, बाल काटा उसने भाई। किधर है तू? घुमाने यहाँ से सर जी। मैंने ये वेट मारा तो ध्रुव से कम वेट क्यों मरवा रहा है? तेरा बोलने का मतलब क्या है? ध्रुव का इंटेंसिटी ज्यादा है ना तेरे से, तो इसलिए कम वेट मरो। So we have Shyam Sharma doing a deadlift of 100 kgs. Let's do it. 100 kgs here and 20 kgs bar. That means 120 kgs and 260 pounds. Ready? 100 रे 80 और 100 30 और 10 40 40 40 80 और 20 100 ज़्यादा ज़्यादा पटेली नहीं है। That way. Three. टेक टू। शूटिंग चल रही है। टेक टू। शाम शर्मा की एब्स। रेडी। रन टू वर्ड्स बार। रैप टू वेट। मैं शिन टच नहीं लूँगा बस। टेक थ्री। अरे आओ। अरे भागो। या ओके। शिन टच बार। गो। गलत मारा, इसका बैक कार्च नहीं था। मेरे को भी ये वाला माल चाहिए। क्या मारा इसने? मेरे को भी ये वाला नशा कर। देख इसमें प्योर ग्रीन माल है, मारेगा। हो गया हो गया भाई ने बोला चलने का तो चलने का। चलो चलो। अच्छा उधर चलते रहो, चमकते रहो। क्या बोल रहे? मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रणीत बोल रहा है शाम को एनीवेज विरार आने वाला है। तो अगर उसका दिल बड़ा होगा तो वो बोलेगा तुम लोग मेरी BMW लेके जाओ, मैं तुम्हारी बलेनो लेके जाता हूँ। तो वो अबे तो पहले आते ही बोला कि BMW तुम्हारे लिए लाया हूं, लेके जाओ। अगर वो ऐसा करेगा तो मैं लोगों को बोलूंगा इसके चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। वैसे अपन ने बच्ची लोग को क्या बोलते हैं उसको, इंटरव्यू इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं, इंटरोगेशन नहीं दिया। अपना प्रणीत है, ये इसका 37 नीचे 37 डे साइलेंट। सो जोक्स अपार्ट,
मतलब अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो ये बच्ची है जिसने 2 महीने से हमको एकदम मोटिवेट करके रखा हुआ है, फिटनेस टॉक विद प्रणीत, मतलब नाम इसका प्रणीत है, फिटनेस टॉक इसका सरनेम है, तो सरनेम पहले नहीं, वो टॉक पापा का नाम है, आडचनाव पहले अंदर मराठी में बोलते आडचनाव आडनाव तो प्लीज भाई अभी का फुल मोटिवेटेड है, भाई के चैनल को अच्छे से जी भर के सब्सक्राइब करो, 1 लाख सब्सक्राइबर विल गेट फ्री ट्रेनिंग फ्रॉम हिम। फंचो का सब्सक्राइबर इफ दे सब्सक्राइब टू हिम एंड फॉलो हिम विद इन 7 days ही विल गिव फ्री सब्सक्रिप्शन टू वन ऑफ द 37 डे चैलेंज। बोला तो BMW का चाबी दे, बोला बोला जवान दिएला, थोड़ा सा कैलकुलेट कर रहे हो अभी भाई, मजाक के अलावा ध्रुव का बॉडी देखो, बोला तो बोला तो बोला तो बोला, देखो डोला अबे इसका देख रहे देखेगा लोला बाजी BMW बाजी ओ फ्लेक्स ओ फ्लेक्स ओ हो हो बच्ची मेरे को ऊपर जाने का, मैं बोलेगा मेरा BMW है बच्ची खोलो ऊपर बच्ची, नीचे से फुल हवा आ रहा है, आए हाय हाय हाय, शाम का बचपन से सपना था मेरा BMW है भाई मैंने खरीदे ले, BMW का भाई प्राइस भी नहीं पता, मेरे पास जेन है, जेन मैंने 50,000 में खरीदी थी भाई का BMW, वाओ भाई मेहनत करे तो ऐसा करो गाड़ी में सनरूफ होना चाहिए भाई, बस चलो आ गया मेरा स्टॉप अच्छी, लेकिन प्रणीत इतना कितने साल से मेहनत कर रहे तू बच्ची, 9 साल अभी बच्ची, मात 9 साल बच्ची लोग, 18 साल का था मैं बच्ची, 18 साल से गाइस, ऐसा हलवा नहीं है ये सब, हलवा नहीं है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, मैं अभी क्या बोलूं बच्ची लोग, भाई इतना हार्ड वर्क किया तो तुमसे मिला ना भाई, आई कैन नॉट ब्रो पिंच मी, पिंच मी, प्रणीत हैज ब्रॉट अस इन अल्फ्रेडोस, क्योंकि इन दोनों ने फिर से भाई है ना कि मेरा चैलेंज था उन्होंने कंप्लीट कर दिया यार, बच्ची चीट मत करो, मैं चाहिए था कि मुझे चाहिए था कि 1 रैप मैक्स हो जाए तुम दोनों से, लेकिन एक मिनट रुक जाओ, हम लोग देते हैं बच्ची, लेकिन अब भी चीट करना है क्या, करना है करना, मैं बोल रहा हूँ आके पिज्जा नहीं खाया तो क्या था, तो होन जाऊं दे भैया, एक ठंडा पानी देना बच्ची, तू कहाँ बैठा है, किधर बैठा है तू, टाउन में है, टाउन में थोड़ा अच्छे से बात कर, भाई से पानी नहीं मंगाते, थोड़ा सोबो भाषा में पानी मंगा भैया, एक टैंड पानी ब्रो, इट्स लाइक यो, इट्स लाइक इट्स लाइक यो ब्रो, कैन आई गेट सम वाटर, इट्स नॉट वाटर, इट्स वाटर, ही इज नॉट योर, कैन यू रिपीट, मराठी मध्ये कसं अडळा अडळ बोलतात बरोबर, तसंच इकडे वॉटर नाही, वॉर oh my god, look at this guy riding a BMW. अबे वो वहाँ पे नहीं हाथ डालते अबे गरीब, बड़ी गाड़ी में बटन होता है, बटन किधर है सर बताइए, राइट पे, लेकिन मानना पड़ेगा ब्रो, ये गाड़ी का फील ही अलग है, तू जब भी बैठेगा ना यहाँ पे, तुम्हें पहले ऐसा बैठा ना, तो जब भी अपन बैठते हैं तो वैसे नॉर्मल बैठते हैं, ऐसे बैठा सीधा अंदर घुस गया, ताकि पैनिक सिचुएशन में वहां से पैर मत हिला, सिर्फ नहीं लेफ्ट यूज ही नहीं करने का, क्या ये दबा ना, पूरा दबा, मैप भी दिखा, वो किधर, मेरे को इसको नहीं दिखता है, वो तेरे को दिखता है, पूरा मैप दिखता है, अगर तुझे लेफ्ट लेना है ना तो वो रास्ते भी अलग है, अलग अलग आइटम है, अलग आइटम है BMW, हाँ कुछ दिखा रहा था तू, तो साउंड कैसे, साउंड कैसे बढ़ा दे प्रणीत, इस गाड़ी का आवाज बढ़ा ना, आवाज आवाज बढ़ा जरा, अगर मतलब फिंगरिंग गेम स्ट्रॉन्ग इसमें आपका क्या, जो फिंगरिंग है ना वो एकदम अच्छे से काम करना चाहिए, मतलब हुआ कैसा कैसा सर, ये अभी पार्किंग में ना, अभी पार्किंग, अभी चलो
How are you feeling, bro? हवा में ना पूरा सर लग रहा है ज़ेन चला रहा हूँ। अबे नहीं आगे जा सकता। अरे आप एक चुट। ये क्या है? This is nice. This is business. यहाँ पे थोड़ा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। मेरे को ज़ेन का आदत है। अगर लगा या तो उतर के मारेगा। क्या स्पीड ब्रेकर किधर है? फील भी नहीं हुआ स्पीड ब्रेकर मेरे को। ये तो ग्लोबल सिटी के लिए बना है ब्रो, इधर बहुत ठंड है। मजाक के अलावा ये गाड़ी चला रहा है ड्राइवर भैया, इतनी गाड़ी नहीं पड़ती गाड़ी चलाने। आदत हो जाता है ना, फिर क्या आदत हो ना उसको।